ये तमाशा बनाते हैं लोग इमेज क्रिएट करने के लिए। बाबा बाबा अलाउद्दीन तो बहुत गुस्से वाले थे। किसने, आपने देखा है? इसीलिए मैंने कहा कि मुझे देखा तो किसी ने, जब नहीं देखा और आप उनके घर के अंदर तो थे नहीं, तो कहने ओ शिव कुमार शर्मा जी बहुत सीरियस हैं। अरे वो उनका पर्सनैलिटी है, मगर जब वो घर पे बैठते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हंसते हैं, बोलते हैं, आपको जोक सुनाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या सेंस ऑफ ह्यूमर और क्या शार्पनेस है उस इंसान की। तो ये सब एक इमेज क्रिएट, वो बहुत गुस्से वाले थे। और गुस्सा तो ठीक है, गुस्से वाले मेरे बाप थे, मगर उनको उस चीज़ पे गुस्सा आता था दूसरों के बेवकूफ़ी पे। ही डिड नॉट सफर फूल्स वेरी ईजिली, ये था। मगर बहुत जेनरस, बहुत हंसमुख, बहुत मज़े करते थे, बेहद बेहद तफरीबाजी, घूमना फिरना, हंसना बोलना, और उनको अच्छा लगता था उनके आसपास हर वक्त हंसी खुशी चल रही हो। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट, अरे भाई अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, कोच स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो लोग प्रैक्टिस करेंगे, मगर म्यूज़िक के अलावा वे वेरी नॉर्मल फन लविंग पीपल। भाई साहब मैं किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा जो निरा सिर्फ बिल्कुल फिरौन पागलपना है, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। ये हमारे आर्टिस्ट भी अपने ये ऑरा क्रिएट करने के लिए, मैंने तो इतना मुश्किल से सीखा है, हमारे बाल बांध दिए पेड़ पे और इतनी मार खाई हमने और वह जूते खाए और भूखे मरे। अरे भैया अगर इतने मर रहे हो तो आर्टिस्ट क्यों बन रहे हो म्यूज़िक, चले जाओ, लोगों को डरा क्यों रहे हो किसी भी फील्ड में। आज उसैन बोल्ट को ले लीजिए, तेंदुलकर को ले लीजिए, सुबह 4 बजे उठ कर ठोक 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 सारे दिन कर रहे हैं धूप में, सारे दोपहर को 4 बजे, वो आदमी उसको भी आप बोलेंगे नहीं, अरे मैंने इतना मुश्किल से, अरे अपने लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, गाना बजाना करो, मस्ती करो। एंड ये लोग बहुत ग्रेट लोग थे, बहुत मस्ती लोग थे। मैं डिटैच नहीं हूँ उससे और करना चाहता भी नहीं, मुझे फिल्म का म्यूज़िक बहुत पसंद है। उनके जैसे जीनियस 3 मिनट में क्या क्या करने हैं उसका एक एक अलग ही हद है, उनको 2 घंटे मिलते ही नहीं एक राग पेश करने का। तो और किस किस चीज़ों का, और कितने हंसमुख और कमाल के लोग, क्या जीनियस लोग, मैं अभी तक याद करता हूँ और उनको अपने साथ रखता हूँ। मेरा मौका नहीं मिलता जाके अब बैकग्राउंड में काम करने का, ठीक है, मगर वो वक्त भी मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम टाइम था। सम वंडरफुल वंडरफुल मोमेंट्स, मैं क्या ही बताऊं। और इतने दिलदार और इतने अच्छे लोग, आरडी साहब हैं, किशोर साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको कई को हम लोग दूर से देखते थे, हम लोग तो सितार के पीस बजा के निकल जाते थे, मगर बहुत प्यार। और मैं उस वक्त भी शुजात खान होकर ही चलता था ज़्यादा, लोगों को आधे लोगों को मालूम भी नहीं था मेरा क्या लीनीज है क्या है, हाथ अच्छा था, लोग मज़े लेते थे और उनके सिर्फ ग्रेटनेस दिखता था। मुझे बहुत बहुत याद आते हैं वो लोग, क्या बात थी। और क्या जिन्होंने, आर डी बर्मन साहब ने एक रिवोल्यूशनराइज कर दिया है एक हमारा गाने बजाने का, फिल्मों का तरीका और सोचने का तरीका, ये सब ए आर रहमान साहब हैं, ये सब उनके तोफेल में उनको फॉलो करके आए हैं, क्या बात है। मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ आर डी बर्मन साहब को सुरों लगे लगे सुर का एक बहुत उसके साथ खेलते थे, चुरा लिया है तूने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तो सा गरे सनी मा पानी गरे सा मा पारे मागारे सा। तो ये तीवर गा और तीवर निखात जो लग रही है ये उन्होंने शुरू किया कि नारा ना है बेवफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया, फिर वापस कोमल गंधार पे, क्या बात है। और क्या कमाल उसके उस चलन चलते थे, मैं क्या ही बताऊं। ये चीज़ कमाल है ना भाई साहब, फिल्मों के हीन, फिल्मों को हीन दृष्टि से देखते हैं मगर वही लोग फिल्में भी देखते हैं, ठीक है। आप हीन दृष्टि से क्या देख रहे हैं, अगर लड़कियां कपड़े उतार के स्क्रीन पे डांस कर रही हैं वो बुरा है, मगर अल्फाज बुरे होते हैं, तर्ज तो बुरी नहीं होती। मैं तो रास्ते जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तेरे को मिर्ची लगे तो ये ठीक है, मगर एक
डगर चलत मुसकीनी रार, जात रही सब सखियन साथ, डगर चलत मुसे ये भी एक तरीका, मैं जा रहे थे मुझे छेड़ रहे थे, वो तरीका है कि ये तरीका है? सो देयर इज एन ऑप्शन. तो मेरे वालिद साहब ने कभी मेरे को मना नहीं किया, क्योंकि वो फोक म्यूजिक को सितार पे लाने वाले भी वो थे. भटियाली से शुरू किया था उन्होंने 1950s. लोग कहते थे, लोग जल्दी से, अरे ये क्या कर रहा है विलायत खान, गाता क्यों है विलायत खान, फोक म्यूजिक क्यों बजा रहा है, आपको नहीं पसंद ना तो आप उठ के चले जाओ, सुन भी रहे हो ताने भी कस रहे हो. तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं बोला, अरे बेटा ये भी म्यूजिक है, उन्होंने कभी नहीं कहा. लाजो लाजो बना उससे आज तक है. विलायत खान साहब ने, वो तो कटिंग्स रखते थे मेरे, अरे यार ये मैंने सुना, बड़ा तूने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, देखो बहुत अच्छी बात करी है, ये ऐसा क्यों बोला तूने ये, अरे छोड़ इतना नाराजगी में मत बोल, ये नो. तो मगर लोग आज भी ताने कसते हैं, आज भी उससे ना नहीं, अभी भी ओ शुजात भाई बजा रहा, चलो यार सुनने चल भाई. अच्छा देखो ज़रा उनसे पता लगाओ आज वो कव्वाली करेंगे या सितार बजाएंगे. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग? आपको नहीं पसंद तो मेरा पहला जो एक डेढ़ घंटे में राग बजा रहा वही तो, वो तो सुन लो, उसमें कोई कमी निकालो, उंगली रखो कि हाँ ये तो गलत है, निकालो उसमें, तुम उंगली नहीं रख सकते. तो आप, मैं आपसे मिल रहा हूँ, अगर मेरे को आपका शर्ट का रंग नहीं पसंद, पैंट नहीं पसंद, तो कोई पूछे क्यों नहीं पसंद, एक बहुत अच्छा मरून रंग का शर्ट है और ब्लू पैंट्स हैं, क्यों नहीं पसंद आपको? करते थे मगर सब साथ में ही गाया हम लोग ने. अच्छा। सब लोग एक साथ स्टूडियो में, एक साथ टूर करना. अब फिर वही बात है भाई साहब, मैं क्या बताऊं, ऐसे लेजेंड और इतने ग्रेट लोग के साथ, सिर्फ उनके साथ बैठना, उनके साथ हंसना बोलना, उनके साथ गाना बजाना करना, वो हमारी तारीफ खुश होती थी. स्टूडियो में देखा है, तीन चार दिन स्टूडियो का खाना खा रहे हैं, घर से खाना बना के लाना, दिल्ली आके मेरी बीवी को, परवीन चलो भाई मुझे साड़ी दिलाने ले चलो, ऐसे बड़े लोगों के साथ इतना वक्त गुजारना और इतना थोड़ा सा वो प्यार उन्होंने हमें जो उस वक्त हम लोग साथ में बहुत रहे जो दिया है, ये मेरे नसीब की बहुत बड़ी चीज़ें हैं. बहुत लोगों को नसीब नहीं, आजकल ज़बान लोगों की कहाँ चले जाती है. अभी कुछ दिन पहले बुद्धदित्य साहब और सितार बजाते हैं, तो तीन साल पहले एक इंटरव्यू में कहा है और मेरे पास रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया कलकत्ते में, कि विलायत खान साहब ने एक किसी के घर गए थे और उनका सितार उन्होंने ले लिया और ले गए और वो कभी वापस नहीं दिया, और वो सितार बहुत अच्छा था इसलिए वो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट बन गए. कैन यू इमेजिन अ पर्सन हैज़ नो शेम, मिस्टर मुखर्जी हैज़ नो शेम टॉकिंग अबाउट, जिनके तुफैल से, जिनके वजह से ये खाना खा रहे हैं, जिनके घराने के घर पे इनके बाप मेरे दादा के शागिर्द हैं, वो जब उस्ताद विलायत खान साहब मर के चले गए हैं, तब तुम ऐसी बात कर रहे हो कि विलायत खान साहब बने क्योंकि उन्होंने सितार चुरा लिया था. कैन यू इमेजिन दिस? बात क्यों इधर पहुंची? बड़ों की इज्जत, ये एक नीचता है. अगर तुम बड़े और स्पेशली वो जो इस किस्म के लेजेंडरी काम करके चले गए हैं, उनमें तुम खोट निकाल रहे हो कि ये इतने बड़े आर्टिस्ट बने क्योंकि उन्होंने चुराए हुए सितार से बजाए. आई मीन देर इज ए लिमिट टू स्टूपिडिटी. अगर अपने, हमारी सभ्यता कहाँ है? अगर हम, ठीक है अगर हमारा बड़ा है उसकी 19-20 है, कुछ भी है ठीक है, मगर किसी को तुम बोल रहे हो चोर, मैं अमीर खान साहब को, भाई अमीर खान साहब बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ आता तभी क्योंकि गाते थे क्योंकि वो तानपुरा उन्होंने मेरा रख लिया था, इट्स रिडिक्यूल. तो गोइंग बैक टू आशा जी, आई मेरे को इतना बुरा लगा कि इतने मायना सितारे थे दुनिया के, जब जिंदा थे तब क्यों नहीं बात करिए? तो अब अमीर खान साहब मर गए हैं तो मैं उनके बारे में कुछ चीज़ उठाऊँ? और कितने, तुम क्या हो कि तुम सूरज को उंगली दिखा रहे हो और उस सूरज को जिसके घराने का तुम खा रहे हो? तो आशा जी जैसे, जिस लेजेंड से इनके साथ बैठना कितनों को नसीब होता है. उनके साथ हम खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, हाथ पकड़ के हम लोग हाँ हाँ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं,
अरे ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रह जाएंगी भाई साहब. दिस इज़ वॉट मेक्स शुजात खान, हिज एक्सपीरियंसिस ऑफ वॉट ही हैज सीन, वॉट ही हैज हर्ड, वॉट ही हैज टच्ड, वॉट ही हैज लर्नड. और जो लोग दूसरों की बेइज्जती, बड़ों की अंदर खोट ढूंढने लगते हैं, वो देखो नो ब्रेन. क्या बताएं. लाजो लाजो बड़े जाते दा बमरे ठाला जो वा बेला जो वार लाजो लाजो. तो भाई यार बहुत दफा सुन लिया है, मुझे तो अब शर्म आती है ये चीज गाते. आप तो बहुत डीप चले गए, मेरी इतनी दूर सोच नहीं है. मैं कोई सूफी की चीज़ बजाने वाला हूँ या कोई फोक गाने वाला हूँ, उसके पहले अगर मुझे दो चार लाइनें कोई अच्छे शेर की या अच्छी कविता की याद आती है, उसको पढ़ देता हूँ बस. देर इज़ नो प्लान. अगर ये ऐसी चीज़ है जो करोड़ दफ़ा लोगों ने सुनी है या बिल्कुल फ्रेश है, मुझे अल्फाज अच्छे लगने चाहिए और मैं गायक नहीं हूँ. आप जब भी मैं गाता हूँ आप सुनिएगा, उसमें कोई ये सब तो नहीं करता हूँ. नीरे का मजा ये सब नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ आपको अल्फाजों की खूबसूरती सुना रहा हूँ. जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं. अब ये देखिए, अब ये जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, ये तो नहीं किया ना. सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ अल्फाज सुना रहा हूँ जिसमें दो चार सुर के तर्ज है, फिर सितार पे बजाता हूँ और फिर आगे चले जाता हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स ऑल्सो. रिदम में ब्यूटी है, मेलोडी में ब्यूटी है ही, मगर अल्फाज में भी ब्यूटी है. तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपको. मैं बेसुरा आर्टिस्ट हूँ, मैं मुझे कोई गाना वाना नहीं आता वैसा. मैं दो चार लाइनें सुना के फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ. तो मैंने कभी गाने का प्रैक्टिस नहीं किया, कभी नहीं सीखता था. हम लोग गा के सीखते हैं. सो दैट इज़ अबाउट इट. हमारा ऐसा कोई डीप ख्याल नहीं. इसके दो पहलू हैं. एक तो आपको स्टेज पे ज़्यादा बकना नहीं चाहिए. आप बजाने आए हो, बजा के जाओ. हमको मत समझाओ कितने साल से बजा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. 70 साल से बजा रहे हो आप, 80-90 साल के, तो बात क्यों करते हैं. नंबर वन. नंबर टू, 5 साल के बच्चे को आप प्रोग्राम पे ले ही मत जाओ. अगर ख़ानदानी है जो 24 घंटे घर पे सुनता है म्यूज़िक, वो एक दिन खुद बोलेगा है हो सा ये सुना, भजन सुना, ये सुना. उसका खुद मन होए कभी तो ठीक है. आप प्लीज़ अपने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दो. See that they are studying well. वो ज़रूरी चीज़ है उस उम्र पर. See that they spend time doing sports. कंप्यूटर में बैठ के नहीं, बच्चों को टेलीफोन दे दिया, अरे बोर हो रहा है चलो ये दे दो, या तंग कर रहा है टेलीफोन. नहीं, तंग कर रहा है बच्चा तो उसको फ़ोन दे दिया तो उसको आदत पड़ गई. इट्स योर फॉल्ट, आप में कमी है. आप ये बच्चों को ज़बरदस्ती मत करो. मैं जवानों को ज़बरदस्ती नहीं करने का. कोई कहता है भाई वाह हमारी जवान पीढ़ी है वो डिस्को जा रही है, तो ऐसे तो आप भी तो जा रहे हो. ओ जिसको जो करना है करने दो, लेट देम डू दिस. मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप, ये म्यूज़िक है. दुनिया के लोग जो अपने सरल नॉर्मल जिंदगी से कुछ ज़्यादा चाहते हैं वो इसको सुनते हैं, वो इसके पास आते हैं. आपको इसके पास आना पड़ेगा, ये आपके पास नहीं जाएगा. क्लासिकल म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स विल नॉट गो टू यू. पेंटिंग, डांस, शायरी नहीं, आपको आना पड़ेगा. तो एक दिन ऐसा होता है कि आप जाके जश्न रेखता में बैठिए, 5,000 आदमी सामने बैठे, उसमें 3,000 आदमी 25 साल से कम हैं. आप ज़बरदस्ती लाएँ उनको, नहीं. वेट, अगर आपका बच्चे ज़िंदगी में क्लासिकल नहीं सुनेगा तो रहने दीजिए, मगर धीरे 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 आप सुनिए. वो एक दिन हो सकता है खुद, पहले वो आया क्या आ लगा रखा है बाबा, वही आ ना, जिसको बेकार से बेकार गाना लगा दो FM में, 1,00,000 दफ़ा बजा दो, वही इंसान गुनगुनाने लगता है. चलने दीजिए, आप सुनिए, आप मज़ा लीजिए. योर चाइल्ड जो ज़रूरी है, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, अच्छा इंसान बनना, पोलाइट बनना, ये ज़रूरी है. म्यूज़िक आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा.
उस्ताद जी आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने हमसे बातचीत की और बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप लोग वक्त देते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा इस बहाने मुलाकात हो जाए।